वेज वेलकम बैक, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। ऑन पेसिफ के जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे, आप में से बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर बार बार तीन सवाल पूछते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल कि आखिरकार हमारा ओ वेरीफाई क्यों नहीं आ रहा है जबकि बहुत पहले ही रेडी हो चुके हैं। दूसरा सवाल, हमारा ओ कनेक्ट फुल रूप से कॉमर्शियली क्यों नहीं हो रहा है। तीसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है, पेंडिंग विड्रॉल कब तक आने का चांस है। इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा सवाल आ रहे थे, अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओ वेरीफाई हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है जबकि बहुत पहले ही रेडी हो चुके हैं, ऐसा कंपनी किसी को बता चुके हैं। ये बात सही है, बता चुके हैं और अभी हमारे वेबसाइट में ओ वेरीफाई कमिंग सून दिखा रहा है, लेकिन इससे पहले ही बता चुके हैं कि हमारे कंपनी के सीईओ ओ वेरीफाई रेडी हो चुके हैं, टेस्टिंग चल रहा है, बहुत ही जल्द आ जाएंगे। जबकि ये बात करना लगभग 2 महीना होने जा रहा है या 2 महीना बीत चुके हैं, तो फिर आखिरकार हमारा ओ वेरीफाई क्यों नहीं आ रहा है। तो ओ वेरीफाई ना आने का मेन रीज़न ये है कि उसमें अभी भी कुछ काम बाकी है और वो वेरीफाई आए ना आए आपके विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बात 100% नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कतदारी की बात नहीं है। विड्रॉल जब आएगा, विड्रॉल भी आएंगे, ओ वेरीफाई जब आने के रहेगा, ओ वेरीफाई भी आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल पे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि ओ कनेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, हम उनका पैकेज भी लिए हैं और एक्सटेंड की वजह से हम उसे बार बार फ्री में यूज भी कर पा रहे हैं। लेकिन लोगों का मानना है, फाउंडिंग से है, जितने भी मेंबर हैं उनका मानना है कि आखिरकार हमारा ओ कनेक्ट 100% से कॉमर्शियली क्यों नहीं हो जाता। तो हम आपको बता दें, फिलहाल अभी ओ कनेक्ट 100% से तैयार नहीं है, उनमें बहुत सारे फीचर्स ऐड होना बाकी है, बहुत सारे फंक्शंस ऐड होना बाकी है। जैसे ही ऐड हो जाएंगे वो फुल रूप से कॉमर्शियल हो जाएंगे। पेंडिंग विड्रॉल, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेट लगेगा अभी।